गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल। मैं अभी रोटी बना रही हूँ सुबह सुबह, तो मैं रोटी दिखा सकती हूँ कि क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मनी, अब बस खड़े खड़े देखो, आप भी मिल लो, आप भी विश कर लो गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से भी आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और रोज की तरह आज ऑफिस जाना है, तो बस खाने पीने की तैयारी हो रही है। और कल का दिन बहुत ही स्पेशल रहा हमारे लिए, और आप लोगों ने भी ज्वाइन किया था उसके लिए बहुत थैंक यू, है ना। और फिर मिलते हैं आपसे। तो अब मैं निकलने वाली हूँ ऑफिस के लिए, और आज मैं थोड़ा जल्दी लेट हो रही हूँ, तो जल्दी आ जाओ मनी। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ ऑफिस, और मैं जा रही हूँ, अभी मेरा वर्किंग टाइम है, तो मैं तो हो गई है अभी हमारी छुट्टी। यहाँ का मौसम आप देख सकते हो कितना खराब है। टाइम ज्यादा मौसम नहीं हुई है ज्यादा टाइम, अभी छह भी नहीं बजे, ये देखिए कैसा मौसम बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा मौसम है। प्यारा नहीं है, बस टूट रही है इतनी ज्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा, ठंडी ठंडी हवा बह रही है इतनी गर्मी के बाद। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिल तो कर रही है। इन सब का हड़ताल चल रहा है, अभी तक बंद ही है शॉप। वाह, कितना अंधेरा हो गया। तो इवनिंग का टाइम है और मैडम को लेके आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आपने देखा ही होगा वीडियो में, बहुत ज़्यादा है। और खाना बनाना है, खाजा गाजा खाए। तो ये देखिए, तुम्हारा थोड़ा पीले काहे को लग रहा है? पीलिया हो गया है। मैं नहीं, वैसे हम खत्म कर देंगे, खा पी के खाओ, खाओ तुम ही खाओ। सुनने में आया था तुमने मेरे को बोला था कि आज मुझे बनाना है खाना, कल बोला था तुमने। कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ, पता नहीं आप बनाओगे तो मैं खा भी पाऊंगी या नहीं। ऐसा? अच्छा, आपका रोटी होता है गोईठा? सिर्फ रोटी, सब्जी तो आप बहुत टेस्टी बनाते हो, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे इनके हाथ की सब्जी, खासकर चिकन, बहुत 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 पसंद है। तो बताइए मैडम, कैसा गया आज का ऑफिस? अच्छा गया है आज का, बहुत अच्छा भी नहीं गया, बहुत काम कराते हैं। मेरा, मैं तो जा नहीं रहा ऑफिस। आपका वर्क फ्रॉम होम है, इसीलिए आपको ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है। घर में बैठे बैठे काम कर लो, और मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। बताइए, ऑफिस जाना सही है वैसे? ऑफिस जाकर के मतलब सही होता है कुछ? तो घर पे भी तो काम ही कर रहे हो, कौन सा आप चूल्हा चौका कर रहे हो? वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ये बता रहे हैं मुझे। मुझे तो पता ही नहीं कौन सा वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। हाँ वैसे थोड़ा सा मतलब पता नहीं। इनका काम है घर में साफ सफाई करना, खाना पीना का तैयारी करके रखना, और मैं घर पे आके खाना पीना बनाऊंगी। तो ये आपका वर्क फ्रॉम होम है। ओके, चलो कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं भी ऑफिस जाऊंगा ही, है ना। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। ना ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पहले वीडियो बंद करो फिर बता। फ्रेंड्स, आज मेरी बारी थी खाना बनाने की, क्योंकि कल अंजलि कह रही थी कि कल आपको खाना बनाना पड़ेगा, बट मैं आ गया आप पे और मैं आपको बनाने, और इनका मूड चेंज। क्या बना रही हो तुम? अरबी की सब्जी और रोटी। अरबी 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 की सब्जी बन रही है और रोटी है। ओके
मेरा ना बहुत मन कर रहा बस करेले की सब्जी खाने का। इस बार मैं अपने घर पे गई थी ना तो बस करेले। भाई करेला तो सुना है, करेली बस करेली वो होता है, वो वहीं पे होता है सिर्फ, मतलब कोडरमा में बस करेली मिलता है, पता नहीं कैसा होता है वो। तो तुम गई थी तो बना के खाना था ना वहाँ? मैं डेली बनवाती थी, डेली मम्मी बना के रखती थी, उन्हें पता है कि मेरा वो फेवरेट है बस करेली का भुजिया। तो जब हम कोडरमा जाएंगे तो आप लोग को बस करेली जरूर दिखाएंगे। बस करेली का मतलब ये है कि बस के ऊपर करेली, करेले करेले की वाइफ करेली है ना। वो ना कुछ बांस सा कहते हैं, इतना नंबर वो अचार में भी मिलता है, मिक्स अचार जो है ना उसमें मिला हुआ होता है। मुझे तो पता ही नहीं है कि वो होता क्या है, अगर आप लोग को पता होगा तो जरूर बताना कि बस करेली क्या होता है। बस करेली खाना है तो अप्रैल में चलना, अप्रैल कह रही हूँ अगस्त में। तो हम अगस्त में जा रहे हैं स्पेशल बस करेली खाने के लिए कोडरमा, उतनी दूर सही है? नहीं तो फिर कोरियर कहेंगे करते हैं, रास्ते में ही सरगल के पहुंच जाएगा यहाँ। ओके तो हमारा खाना पीना हो गया, खाना पीना हो चुका है हमारा, और अंजलि जा रही है भूत वाली मूवी देखनी, चुड़ैल वाली। जो जैसा मतलब जिनको जो पसंद है वो वैसी मूवी देखते हैं, मतलब चुड़ैल वाली मूवी, तो चुड़ैल टू चुड़ैल। और आपको साउथ इंडियन पसंद है? मुझे कितना बार बारिश यहाँ पे लगी हुई है, आपको आवाज आ भी रही होगी, इतना अच्छा है ना, मुझे ये आवाज सुन के ना दिल खुश हो जाता है। मुझे डर लगने लगता है कहीं बिल्डिंग ने गिर जाएगी पूरी। तो मैं अभी हॉरर वाली मूवी देखने वाली हूँ, मुझे हॉरर वाली मूवी बहुत पसंद है। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही। यस, हम अब मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तो मेरी हॉरर वाली मूवी छूट जाएगी और मैं छोड़ना नहीं चाह रही। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट आप सभी को।